शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग में चार कार सवार युवकों को दबोचकर जाली करेंसी छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। तलाशी में इनके पास से 7 लाख की नकली नोट बरामद किए गए। सभी नोट 500-500 के हैं। गिरफ्तार आरोपितों में अमरोहा के अलावा दो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने नोट छापने के उपकरण, 25 एटीएम कार्ड व अन्य सामान बरामद किया। नगर कोतवाली प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह शनिवार की रात करीब 3:30 बजे कांट रोड बाईपास तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दरमियान पुलिस ने एक कार को रोकने के लिए इशारा दिया। इस पर चालक कार लेकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर कार और उसमें सवार चार युवकों को पकड़ लिया। इनके कब्जे से 7 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। यह सभी नकली नोट थे। 500-500 रुपए की गड्डियां बनाकर कार में रखे गए थे। दूसरे शहरों में खपा रहे थे नकली नोट। पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक सुनीति ने बताया कि मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ व NCR तक इनका नेटवर्क था और पिछले काफी समय से ये लोग नकली नोट इन स्थानों पर खपा रहे थे। कोतवाली में पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरा राज उगल दिया। वह काफी समय से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। इनके निशानदेही पर नोट छापने के उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम नजारुल हसन पुत्र हाजी अरकान निवासी सिकरी मिलक, नफीस अहमद सैफी पुत्र जमील अहमद निवासी कमालपुर फतहाबाद थाना कुंद्रकी जनपद मुरादाबाद व अरविंद कुमार पुत्र अनिल कुमार कामिल तेली पुत्र हाफिज निवासी मोहल्ला अहमदानगर थाना अमरोहा नगर बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।